हेलो दोस्तों, आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आप जानेंगे कि आप सनसिल्क शैम्पू की हेल्प से किस प्रकार अपने बालों को काला, लंबा और घना कर सकते हैं। ना ही आपके बाल झड़ेंगे, ना ही आपके बाल टूटेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जमाना चाहे कोई भी हो, लंबे, काले, घने और मुलायम बालों का फैशन कभी आउट नहीं होता है। एक और जहाँ लंबे बालों को देखभाल की जरूरत होती है, वहीं लंबे बाल पाना भी इतना आसान नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बाल कुदरती तौर पर लंबे होते हैं और घने होते हैं, लेकिन अगर आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके बाल काले, लंबे और घने नहीं हैं और उम्र से पहले ही उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो में नुस्खा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, बहुत ही सिंपल नुस्खा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हमें सनसिल्क शैम्पू लेना है जो कि हमारे बालों को ब्लैक और शाइन करता है। सनसिल्क शैम्पू में ऐसे पोषक तत्व और मिनरल्स होते हैं जो हमारी बालों की ग्रोथ को अच्छा करते हैं दोस्तों। तो इसमें मैं पूरा पाउच सनसिल्क शैम्पू का ले लूँगा। तो इस तरीके से पूरा पाउच सनसिल्क शैम्पू का ले लेंगे हम। अब देखिए, जो हमें दूसरा इंग्रेडिएंट जो चाहिए, वह चाहिए हमें एलोवेरा जेल। देखिए, एलोवेरा जेल हमारे बालों की जो जड़ें हैं उनकी स्किन पर जमा मैल और गंदगी को साफ करेगा। एलोवेरा जेल का इस्तेमाल फेस वॉश के लिए किया जाता है और ये हर घर में मिल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इसको हम चेहरे के वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं, चेहरे से धूल मिट्टी को, गंदगी को हटाने के लिए यूज़ करते हैं। इसी प्रकार यह हमारे बालों की जड़ों में मैल और गंदगी को ख़त्म करेगा। अगर आपके बालों की जड़ों की स्किन ऑयली है, उसको भी ये ख़त्म करेगा। तो इसमें देखिए, शैम्पू में हम 2 से 3 बूंदे हम एलोवेरा जेल की मिला लेंगे। एलोवेरा जेल में ऐसे मिनरल्स और विटामिन होते हैं जो हमारे स्किन को अच्छी ग्रोथ देते हैं और बालों की जड़ों को सिल्की और शाइन बनाने में मदद करता है। तो एलोवेरा जेल हमने ले लिया है। अब देखिए, सनसिल्क शैम्पू में एलोवेरा जेल मिलाकर हमें करना क्या है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे एक खाली कटोरी में। अब जो हमारे पास ये पेस्ट जो बन के तैयार हुआ है, इससे हम अपने बालों को अच्छी तरीके से धो लेंगे। जिस प्रकार हम बालों में शैम्पू करते हैं दोस्तों, उसी प्रकार हम इससे अपने बालों को धो लेंगे। जब आप बालों की जड़ों में इसको इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपकी बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी। ऐसा हफ्ते में 3 से 4 दिन तक करने पर आप देखेंगे कि आपके झड़ते हुए बाल कम हो गए हैं और बाल झड़ना बंद हो गया है, और आपके अगर सर में डैंड्रफ था वह भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पानी से अपने बालों को वॉश कर लीजिए, फिर अच्छी तरीके से तौलिए की मदद से अपने बालों को सुखा लीजिए। आप जो भी तेल यूज़ करते हैं वह यूज़ कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसमें हमने एलोवेरा जेल और शैम्पू की मदद ली, हमें इसमें सनसिल्क शैम्पू ही लेना है क्योंकि सनसिल्क शैम्पू में हमारे बालों को ब्लैक और शाइन करने की प्रॉपर्टीज होती हैं, और एलोवेरा जेल तो आपको पता ही होगा यह हमारे स्किन से और पोस्ट में अंदर तक जाकर सफाई कर देगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सेंड कर दीजिए अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के पास, ताकि वह भी इस जानकारी को पा सकें। और ये सरल सा घरेलू नुस्खा, ऐसे ही नुस्खे मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।